हरिद्वार में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। महामंडलेश्वर एवं अध्यक्ष अवधूत मंडल आश्रम स्वामी संतोष देव आनंद महाराज ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और ईएमएस के स्टेट हेड संजय श्रीवास्तव सहित समाज में सेवा कार्य कर रहे लोगों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एवं भारत गौरव सेवा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, ये सम्मान आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। इस सम्मान के बाद आपकी जिम्मेदारी पूर्ण समाज के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए, उनको दूर करने के लिए, जैसे नशा मुक्ति है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इस प्रकार के सब चीज़ों के लिए जो लोग समाज सेवा के काम में लगे हैं, उनको जब सामूहिक रूप से सम्मानित किया जाता है तो वो भी प्रेरित होते हैं, बाकी सबको भी समाज सेवा करने का एक अवसर मिलता है, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं इसके लिए इसके चेयरमैन मनोज नवानी जी को बधाई देता हूँ कि वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एक ही संदेश है कि 15 अगस्त आ रहा है और घर घर में स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए एक जनून दिखाई पड़ना चाहिए। सब हर घर तिरंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा को लेकर यात्राएं निकलें, सभी उसमें सहभागी हों, देशभक्ति के गीत गाते हुए, शहीदों को याद करते हुए जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, और अपने घर पर तिरंगा फहरा करके सेल्फी लेकर अपने अपने सोशल मीडिया में डालें। आज मानव अधिकार की रक्षा करना एक सबसे बड़ा कर्तव्य है और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आम आदमी जानकारी के अभाव में अपने अधिकारियों की जानकारी नहीं होती और उसका शोषण किया जाता है। ऐसे में वो एक्टिविस्ट जो इन लोगों की बातों को ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचाते हैं, उनको सम्मानित करना अपने आप में एक अच्छा काम है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग भी इससे समाज की सेवा के कामों में अपने आगे बढ़ चढ़ के काम भाग लेते हैं। इसके लिए पूरा ह्यूमन राइट कमीशन की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जो सम्मानित किया गया, उसके लिए मोहित नवानी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद बधाई है। समाज सेवियों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आज हमने सम्मानित किया, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग थे, पीआरडी थे, होमगार्ड थे और तमाम विभूतियां थी, डॉक्टर्स थे और हर क्षेत्र के सम्मानित लोग थे जिनको हमने सम्मानित किया। उसमें माननीय सांसद जी थे, माननीय कैबिनेट मंत्री थे और यहाँ के राज्य मंत्री थे। तो इस प्रकार के जितने भी लोग, जनप्रतिनिधि लोग थे और सामाजिक लोग, उन सबको हमने सम्मानित किया भारत गौरव सम्मान से और सामाजिक सेवा गौरव सम्मान से। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, उन सबको प्रोत्साहन करके ताकि और भी उनसे प्रेरणा लेके अच्छा कार्य करें, यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ये बिल्कुल हर साल होता है प्रोग्राम और ये इस बार हमारा 10वां संगठन का स्थापना दिवस था। बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल पे हमारे दिल्ली में और पूरे ऑल इंडिया में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और इस बार उत्तराखंड देवभूमि में था, इसलिए हम यहाँ पर इस बार कार्यक्रम कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा लोग आज हम जिन लोगों को हमने सम्मानित किया और 11,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे पास अपने खुद के, जो लोग हम लगातार जिन सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।